कानपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या के बाद लाश को डीएम कंपाउंड में दफना दिया। अब 4 महीने बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को महिला का कंकाल डीएम कंपाउंड से मिला। आरोपी जिम ट्रेनर को अरेस्ट कर लिया गया है। जी जी, हमारी पत्नी की है, हमारी कपड़ों से स्नैक करी, उसके बालों से करी। ये बिल्कुल फिल्म दृश्यम के जैसा ही हुआ, जिसमें युवक की हत्या के बाद उसका शव पुलिस स्टेशन के नीचे ही गाड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां कोई शक नहीं करेगा। महिला के शव को भी ऐसी जगह पर गाड़ा गया जहां किसी को भी शक नहीं हो, यानी जिले के सबसे बड़े अधिकारी के कंपाउंड में। गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे दरअसल सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी एकता गुप्ता 24 जून से लापता है। वो रोज की तरह ग्रीन पार्क के पास जिम गई, जिसके बाद से लौटी नहीं है। राहुल को आशंका थी कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी पत्नी को अगवा कर लिया और वो पैसे जेवरात लेकर फरार हो गया। अपहरण कहीं किया गया था? कोई प्रेम संबंध किसी तरह का नहीं है। हालांकि पुलिस की थ्योरी कुछ और ही कहानी बता रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी जिम ट्रेनर ने बताया एकता और उसके बीच संबंध था, जिम ट्रेनर का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। इस पर एकता ने उसके साथ झगड़ा किया। हॉट टॉक के बाद गुस्से में जिम ट्रेनर ने गले पर हमला कर दिया और गाड़ी में ही मार डाला। उसके बाद लाश को डीएम कंपाउंड में लाकर दफना दिया। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पे पंच मारा, जो गला होता है उस पे पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पे तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई, हाँ, कार में ही मार दी। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी के बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सही में आरोपी विमल ने हत्या की या इसके पीछे कोई साजिश है। शव को डीएम कंपाउंड जैसी जगह पर कैसे गाड़ा गया जहां सुरक्षा इतनी सख्त होती है? डीएम कंपाउंड में ही शव क्यों दफनाया गया? क्या आरोपी जिम ट्रेनर की महिला की संपत्ति और पैसों पर नजर थी? सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जून से पत्नी जिम से लापता है। उसने जिम ट्रेनर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। घटना के बाद से ही जिम ट्रेनर और कारोबारी की पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ था। पुलिस ने 25 जून को वारदात में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया था, जिसमें उसे रस्सी, टूटा क्लचर, टॉवल, सिम ट्रे समेत कई सामान मिले थे। लेकिन कार की बरामदगी के बाद पुलिस ने केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। Team News Nation.